गुड मॉर्निंग एंड शुभ नववर्ष। और जितने भी मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं सबको शुभ नववर्ष। तो आज है पहला बैशाख और हमारा बंगालियों का नववर्ष। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में सुबह सुबह फटाफट उठ के नहा धो के हम सब ने नए कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोग नहा धो के एक मतलब छोटा सा भी कुछ हो एक तो नया पहनते हैं। पहनने का मतलब रिवाज है, पहनने से अच्छा लगता है, क्योंकि नया साल है। अगर साल के शुरू में ही नया पहनेंगे तो पूरा साल ही नया पहनेंगे, है ना मिष्टू? तो मिष्टू ने भी नया एक फ्रॉक पहना है, नया ने भी नया कुर्ता डाला है। ये गुड़ का पायस है, जो पाटाली गुड़ आता है ये वेस्ट बंगाल में मिलता है, उसका पायस है। और लूची, और ये है आलू तरकारी, मतलब आलू की सब्जी, जो कि इस पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो घर पे ही हम बनाएंगे अपना पहला बैशाख, और सारा दिन घर पे रह के अच्छा अच्छा खाना बना के हम खाएंगे, वैसे एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। शुभ नववर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो अनिरुद्ध का तो बहुत ही फेवरेट वाला एक ब्रेकफास्ट है, चलो स्टार्ट करो, क्योंकि अनिरुद्ध को थोड़ी देर बाद ऑफिस ज्वाइन होना है, वर्क फ्रॉम होम का यही एक टेंशन है। मिष्टू बताओ कैसा बना है ब्रेकफास्ट? अच्छा बना है। और खीर भी बहुत अच्छा बना है, हमने खाया है खीर ऑलरेडी, एक एक कटोरी हमारा खाना हो गया है। ये मिष्टू का तो शायद थर्ड कटोरी है ना मिष्टू? हाँ। खा लो फटाफट खा लो। तो कोई भी ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है, सिर्फ खाना खाना और खाना। लाइफ में खाने के सिवाय है क्या, है ना? तो बेस्ट थिंग ईटिंग। आज और आज क्या है बोलो? थर्ड स्टैंडर्ड का फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज है मिष्टू का फर्स्ट मतलब क्लास, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा इस ईयर का। थर्ड स्टैंडर्ड का फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है 12:00 से। अच्छा लगा ये भी सब्जी? दम आलू भी अच्छा लगता है, बट ये सब्जी भी अच्छा लगा ना? हाँ। मिष्टू गुस्सा, थोड़ा गुस्सा हो गई जब मैं बोली मैं आज दम आलू नहीं, मैं आज आलू की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा बना है खीर ना आयश? और थोड़ा सा दूध पायश? अरे ये तो खा पा, खालू खालू। कटोरी बहुत सुंदर है, इसके पैर भी है और इसका डिजाइन वो इसके स्केल्स जैसे है। पैर भी है कटोरी का, वो अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा अगर तुम नहीं खाओगी तो। नहीं मैं खाऊंगी। गुड गर्ल, खा लो। ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट मैंने लंच कर लिया था, लंच बना लिया है, क्योंकि मुझको मिष्टू को अनुरोध तो फटाफट खा के चले गए अपना ऑफिस ज्वाइन होने, और मैं और मिष्टू बात करते करते खाते ही रहे। उसके बाद फिर क्योंकि 12 बजे से मिष्टू का ऑनलाइन क्लास, आज पहला दिन स्टार्ट है। तो पीछे आप देख सकते हैं किचन सब कुकिंग हो गया है, यहाँ पे राइस भी बन गया है। अभी सिर्फ मुझे जो फ्राइज है वो बनाना है, वो मैं सब मिक्स करके रखी हूँ हल्दी नमक के साथ, फिर वो थोड़ा गरम गरम फ्राई करूंगी। और मिष्टू 12 बज गया है, मिष्टू क्लास ज्वाइन हो गई है, तो अभी उनका असेंबली चल रहा है। मैं क्लास टीचर है, फ्रेंड्स तो वही है क्योंकि इस बार डिवीजन शफल नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा बैठूंगी उसके साथ शुरू के थोड़े कुछ मिनट्स, इसलिए मैं फटाफट कुकिंग कर ली। और मिष्टू बहुत एक्साइटेड है, नया क्लास है, ऑनलाइन ही है बट फिर भी एक्साइटेड है और बहुत खुश है। तो आज मैं क्या कुकिंग की हूँ, सिंपल सा ही कुकिंग की हूँ, एकदम बंगाली लंच, और घर पे जो था उसी हिसाब से की लंच बनाई हूँ। और हाउस हेल्प पर भी आके फटाफट काम करके चली गई है। और ये कुर्ता जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि शॉर्ट स्लीव के कुर्तीज़ अभी तो मिलते नहीं है, ज़्यादातर सब थ्री क्वार्टर होता है या तो फुल स्लीव होता है, और ये काफ़ी पतला भी है और ये मुझे थोड़ा लूज है, लेकिन मैंने ना इसको स्टिच नहीं किया, ऑल्टर नहीं किया, हाथ से ही करती हूँ कभी कभी, अभी तो बाहर उतना जाना नहीं होता है तो स्टिच नहीं किया, क्योंकि घर पे पहनना है तो थोड़ा लूज रहने दो, तो बहुत आराम लग रहा है पहन के। और एक वाइट कुर्ता भी है जो कि अनुरोध ने दिया, वो मैं शाम को पहनूंगी, क्योंकि अभी कुकिंग करना था ना, थोड़ा भी हल्दी लगता तो वाइट कुर्ता जाता। मैं मिष्टू को दिखा रही हूं। मिंटू इसमें सुबह पूरी तला था और तेल देके, तो अभी तो ये लोहे का कढ़ाई है तो
तो पूरी मैं इसी में तलती हूँ ज़्यादातर, तो इस कढ़ाई पे ही, इस तेल पे ही मैं फ्राई कर लूँगी सब फ्राई। और यहाँ पे फिश बनाया है, माछेर कातला माछेर कालिया सर्व नहीं किया है, करूँगी, जस्ट बना के चली गई मैं मिष्टू के पास। और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा होगा नहीं पता। और यहाँ पे भी दाल चटनी सब हो गया है, मैं जब सर्व करूँगी तब दिखाऊँगी। तो फटाफट मैं फ्राइड कर लेती हूँ सब। मिला है और अभी 1 बज गया है, तो इसके बाद फिर 3:30 तक क्लास रहेगा, तो उसको कैसे भी मैं खिलाऊंगी। तो यही बड़ा ब्रेक है 10 मिनट्स का, तो मैं फटाफट खिला दे रही हूँ क्योंकि वो खाएगी तो फिर टाइम लगेगा। तो मैं एक ही बार में खाना खिला दे रही हूँ क्योंकि 1 बजे तो लंच टाइम ही है। मिष्टू का बहुत ही फेवरेट आलू भाजा, क्योंकि 3:30-4 बजे तक तो मिष्टू को मैं भूखा नहीं रखूंगी, और मिष्टू के साथ अभी मैं खाना बैठूंगी तो मिष्टू का खाना हो गया। अनिरुद्ध तो बोल रहे थे उसको खाना खिला के फिर क्लास जाओ, 11:30 बजे कौन खाना खाएगा, उसको भूख लग जाएगा ना। उसके बाद फिर लंच, हाँ 9 बजे ब्रेकफास्ट करके फिर 11:30 बजे कौन खाना खाता है, भूख नहीं रहता है ना उतना। कुछ फ्रूट्स है तो ठीक है, चलो हल्का फुल्का फ्रूट्स खा लिया, तो ये टाइम एकदम परफेक्ट दिया है, 10 मिनट्स काफ़ी है, मैं खिला दूंगी तो मिष्टू फटाफट खा लेगी। अभी मिष्टू फटाफट खा रही है फिश से मछली कालिया। तो ये फिश जो है कातला है, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा एक फिश लाए थे, कम से कम लगभग 2 किलो 700 एक फिश का वजन, तो पूरा ही खरीदना पड़ता है, यहाँ तो काट के देते नहीं है। मिष्टू को मैं कितना जल्दी खिला रही हूँ, मिष्टू 5 टाइप का फ्राई से खाना हो गया, दाल से खाना हो गया, अभी फिश से खा रही है, इसके बाद मिष्टू खाएगी चटनी। तो लाल रंग है, तो अनिरुद्ध को लंच सर्व कर दिया है, मिष्टू को तो मैंने खिला दिया, घी दे दिया था, उनको जाना है, और 5 टाइप का फ्राई और दाल कतला करी कालिया सॉरी और आम की चटनी। तो यही है आज का लंच। और ये जो बैंगन देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो ये जो बैंगन है, ये बिग बास्केट में अनिरुद्ध ने सोचा बड़ा बैंगन है फोटो देख के, और जब वो आया तो वो छोटा छोटा बैंगन था, तो उसी को मैंने फ्राई कर दिया। अब है कालिया की बारी। कालिया मने उसका रंग लाल है, लेकिन उसको कालिया पता नहीं क्यों नाम रखा है। तो अनिरुद्ध को फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन मटन सबसे ही। तो बताओ कि कालिया कैसा बना है? अच्छा हुआ। मिष्टू को तो बहुत अच्छा लगा, टेस्टी सीख गया, तुमने सिखाया ना, चलो अच्छा। और आज अनिरुद्ध ने भी पूरा न्यू ड्रेस पहना है, मतलब जो ऊपर से नीचे तक। और ये है आम की चटनी, खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। मिष्टू को 2 मिनट्स का ब्रेक मिल गया है ना मिष्टू। और आज हम 3 मेंबर ने तीनों टाइम पे खाना खाया। जब खाना खा रहे थे तब मुझे भी बोले तुम बैठ जाओ, बट मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी। तो क्यों बैंगन, और यहाँ पे फिश, एक फिश फ्राई, फिश दाल चटनी, मैं खा लेती हूँ। बाहर तो क्लास करती है, कैमरा ऑफ करे तो नीचे घुसना। वेदा वेदा
बाकी है फिश की बारी, और जो फिश फ्राई खाया मैंने अभी वो फिश बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है। और लॉकडाउन की वजह से उतना और कोई फिश नहीं मिला, सिर्फ कतला ही मिला, और कुछ कुछ फिश था वो हम नहीं खाते हैं, मतलब यहाँ का फिश। आमिर चटनी, आमिर चटनी मतलब माय फेवरेट। कटा कटा मीठा मीठा बहुत अच्छा लगता है, मतलब लंच के बाद या डिनर के बाद समर में आमिर चटनी, आमिर टॉप। चलिए फटाफट खा लेती हूँ। तो 3:30 बज के मिष्टू का क्लास खत्म हो के, मिष्टू कैसा लगा फर्स्ट डे ऑफ क्लास? अच्छा लगा, क्लास में बस इंट्रोडक्शन। हाँ, क्योंकि सब जितने भी सब्जेक्ट के क्लासेस हो रहे थे सब में सिर्फ, क्योंकि फर्स्ट डे है ना तो न्यू टीचर्स है, मतलब तो सब टीचर्स को एक साथ लाकर एक साथ ही बोल रहे हर एक सब्जेक्ट, मतलब मिष्टू 12 बजे ज्वाइन हुई है तो 12 बजे से 3:30 बजे तक सिर्फ बच्चे हर एक टीचर को अपना इंट्रोडक्शन ही देते रहे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर। तीन बार अपना इंट्रोडक्शन, हिंदी टीचर को हिंदी में, इंग्लिश टीचर को हिंदी में, इंग्लिश में, और क्या मैथ्स टीचर, फिर साइंस टीचर को साइंस में और मैथ्स टीचर को मैथ्स में। तो मिष्टू इंट्रोडक्शन देते देते थक गई, माई नेम इज 1 2 3 4, मिष्टू इंट्रोडक्शन देते देते थक गई। इसलिए फर्स्ट डे में स्कूल भी रहता है तो फर्स्ट डे पढ़ाई होता है, फर्स्ट डे में टीचर्स नए क्लास में आते हैं, सबका नाम पूछते हैं, किसका क्या नाम है, मस्ती करते हैं, फर्स्ट डे में ऐसा ही होता है ना। तो अभी बज गए हैं 4:30, मैंने खीर बनाया है, तो थोड़ी देर बाद तो थोड़ी देर बाद वही होता है, और हमारे घर पर सबको पसंद है खीर, वो गुड़ का हो, चीनी का हो या सेवई का हो। तो अभी थोड़ी देर पहले अनिरुद्ध भी आके बोले कि तुम्हारे पास फ्रिज में थोड़ा खीर वीर था ना, बनाया था जो, थोड़ा दो ना खा के देखता हूँ। तो मिष्टू को मैं बोली मिष्टू खीर खाओगी? हाँ। तो मिष्टू तो चलो 1 बजे खाना खाई है, मैं उसको फटाफट खिलाई हूँ तो भी भूख लगी गया होगा। पूना में अभी 4:30 बज गए हैं, पूना में अभी 4:30 मतलब 4:30 बजते ही बाहर का पूरा वेदर अंधेरा हो जाता है, और फिर परसों तो थोड़ा बहुत बारिश हुआ, कल तो बहुत बारिश हुआ, धमाकेदार बारिश हुआ, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। सबसे पहले अनिरुद्ध को देके आती हूँ, अनिरुद्ध को दे दिया है, एलेना, एल्सा, अद्वितिया, मिष्टू चली कहाँ घूमने? साइकिल में घूमने, रिफ्यूजी एरिया में। चलो 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 मेरे बार्बीज, आर यू रेडी? चलो। तो आज मिष्टू इन लोगों को भी, ये भी घर पे बंद बंद करके थक गए हैं, इसलिए इन्होंने मिष्टू को बोला है, हो गए हैं, इसलिए मिष्टू ने बोला कि घर के गाड़ी में कितना घूमेंगे, इसलिए मिष्टू अपनी सवारी पे इसको घुमा रहे। चलो चलो लग रहा है, बोलो तुम तो उनके तुम तो उनके मन के बात बोल देती हो। मजा लग रहा है, मजा लग रहा है।
खड़े सो जाए है। मैं भी बैठूं इसके अंदर, टूट जाएगा। यहाँ पे मास्क निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, कोई आया तो इसलिए मैं मास्क पहन चलो। गर्मी है, फिर और एक जो नया कुर्ता मैंने बोला व्हाइट कलर का है अनुरोध में दिया था, वो भी मैंने नहीं पहना क्योंकि यही पहन के सारा दिन मेरा बीत गया, यही पहन के सारा दिन मेरा बीत गया और अभी कहीं जाना भी नहीं है, घर पे ही बैठना है, तो फिर नया ड्रेस चेंज करके क्या होता। अगर कहीं जाती तो ऑब्वियसली चेंज करती ड्रेस और अच्छे से सज धज के जाती, तो अभी कहीं नहीं जाना है, अभी ये ड्रेस भी चेंज कर दूंगी क्योंकि गर्मी लग रहा है, सुबह से नहा के पहनी हूँ। और मिष्टू को तो मैंने दिखाया कि मिष्टू ने नया नया कपड़ा पहना है आज, तो वो तो छोटी है, बच्ची है, उसको तो अच्छा लगेगा। ऐसे आइसक्रीम है इसमें नकली बहुत सारे, खाओ पैसा देना पड़ेगा, तब रख लो, तब नहीं चाहिए, आइसक्रीम भी असली देना पड़ेगा तो मैं पैसा भी असली दूंगी। ओके नकली दे दो। ओके ये लो, और मेन चीज था आज खाना। तो खाना तो मेन चीज ही है इंसान के लाइफ, इंसान क्यों, जो लिविंग थिंग्स है सबके लिए तो खाना ही जरूरी है, खाने के लिए जॉब करना है, खाने के लिए तुम पढ़ रही हो ताकि बड़े होके अच्छा जॉब मिले और तुम अपना खाने का इंतजाम कर सको। इस वीडियो को ये पेन करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसी तरह से हमने अपना बॉयल अभिषेक मनाया, खाना खा के कुकिंग करके घर पे यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के, ना बाहर जा सके ना कुछ मस्ती मजाक कर सके। चलो अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और पता नहीं और क्या क्या करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, वंस अगेन हैप्पी पहला भविष्य शुभ नव वर्ष। तो अभी आज से नया साल स्टार्ट हो गया है हमारे बंगालियों का, तो नया साल सबका बहुत अच्छा जाए और ये कोरोना जल्दी जल्दी हमारे सबके लाइफ से चला जाए। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट, बाय बाय। Shake hands! Shake hands!